आईपीएल 2021 में शुक्रवार यानी कि आज रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और चेन्नई सुपर किंग के बीच होने वाले मैच का टॉस रेत की आंधी के कारण समय पर नहीं हुआ। आरसीबी के कप्तान विराट कोहली ने इस देरी का बखूबी फायदा उठाया। उन्होंने सीएसके के कप्तान और टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया के मेंटर बनाए गए महेंद्र सिंह धोनी से लंबी बात की। विराट और धोनी के ऊपर रेतीली आंधी का कोई खास फर्क पड़ता नहीं दिखा। मैच रेफरी जवागल श्रीनाथ ने दोनों कप्तानों से कहा कि टॉस में देरी होगी। इसके बाद धोनी लंबे समय तक विराट को कुछ समझाते हुए दिखे। विराट और धोनी के बीच के अच्छे रिश्ते पहले भी सुर्खियों में आते रहे हैं। धोनी की कप्तानी में विराट कोहली ने 210 इंटरनेशनल मैच खेले और 49.10 की औसत से 9,280 रन बनाए। विराट के 25 अंतर्राष्ट्रीय शतक धोनी की कप्तानी में ही बने। विराट को बतौर कप्तान तैयार करने का श्रेय भी धोनी को ही जाता है। धोनी को यूएई और ओमान में अगले महीने शुरू हो रही टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का मेंटोर बनाया गया है। विराट टीम के कप्तान होंगे। विराट की अगुवाई में भारतीय टीम अब तक एक आईसीसी खिताब नहीं जीत पाई है। इसे देखते हुए बीसीसीआई ने धोनी को टीम से जोड़ने का फैसला किया। धोनी अपनी कप्तानी में भारत को 2 वर्ल्ड कप और 1 चैंपियन ट्रॉफी खिताब दिला चुके हैं। साथ ही वो 3 बार आईपीएल भी जीत चुके हैं। विराट अपनी कप्तानी में अब तक 1 आईपीएल खिताब भी नहीं जीत सके हैं। खैर दोस्तों, इन दोनों को लेकर आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद।